शीतोष्ण वातवर्षाणी छुत्ति पासे प्रिया प्रिय सुख दुख इति द्वंद्वानि अजयत समदर्शन। तो आप लोग इस कथा वस्तु को श्रवण करते आ रहे हैं कि किस प्रकार पुरंजन पुरंजनी में बदल गया, अर्थात स्थिति का चिंतन करते हुए उन्होंने स्थित्व को प्राप्त किया और मलयध्वज महाराज के साथ उनका विवाह हुआ। वस्तुतः पुरंजन सात्विक बुद्धि वाला था और उन्होंने कुछ पुण्य कार्य किया था, फलस्वरूप भगवान के भक्त भगवान के महान भक्त की संगति उनको अगले जीवन में मिली। उनका विवाह भक्त के साथ हुआ और उनके बाद में उनसे महाराज मलयध्वज ने एक दृढ़चित्त नामक पुत्र उत्पन्न किया। ये तो कथा प्रसंग है लेकिन तत्वतः वो दृढ़ निश्चय उनको कहा जाता है और पुत्र पौत्रान के रूप में या पुत्र बहुत सारे उत्पन्न किया। जो लोग इस दुनिया भर का पालन किया वा करते हैं उसका अर्थ है उन भक्ति के माध्यम से उन्होंने एक वैष्णव परंपरा उत्पन्न की। सुनिश्चित भक्त लोग अपने पीछे परंपरा को छोड़ जाते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद महाराज ने एक सुदृढ़ परंपरा, वो स्वयं आते थे इन परंपराओं में और उनके बाद उन्होंने इनका सुदृढ़ स्थापन किया कृष्ण भावनामृत संघ के द्वारा, उन विश्व भर में इन परंपराओं को व्याप्त कर दिया। तो इस तरह महाराज अपने अंतिम समय में कुलाचल पर जाकर के तपस्या के लिए सोचा तो उनकी पत्नी पुरंजनी भी उनके साथ चली। अब इसको पुरंजनी कहने से सुविधा रहेगी, ऐसे वैदिर भी है लेकिन पिछले जन्म में वो पुरंजन था तो पुरंजनी उनके साथ चली और खूब उनकी सेवा शुश्रूषा में लग गई। ये कथा आप लोग सब जानते हैं। तो किस प्रकार उन्होंने इस भक्ति योग के लिए अपने आप को तैयार किया इसका विवेचन ये कुछ श्लोक में है। जैसे इसके आगे के श्लोक में आप पाठ कर रहे थे, कंदास्ति भीड़ मूल फल ही पुष्प पर्णन तृणा तृणोदक वर्तमानस सनेर गात्र कर्षणम। उन्होंने भोग की वासनाओं को क्षीण करने के लिए कुछ तपस्या उठाई। ऐसी तपस्या बहुत जरूरी है। जो लोग तप नहीं करते हैं वो लोग साधन भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। इसलिए भक्तों को इतनी कड़ी तपस्या के लिए सलाह नहीं दी गई है जैसे मलयध्वज या महाराज पृथु बहुत कड़ी तपस्या ये लोग उठाए थे। ऐसी तपस्या के विषय में भक्तों को इस युग में सलाह नहीं दी जाती है लेकिन इस पर भी भक्ति मार्ग पर
सुदृढ़ रहने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए कुछ आवश्यक तपस्या होती है, या अपना साधन ठीक से संपन्न करने के लिए कुछ व्यवस्था जरूरी है। व्यवस्था के बगैर कुछ नहीं होता है ना। देखिए सुंदर तरीके से ये कृष्ण भावनामृत संघ इतना व्यवस्थित क्यों है, क्यों? क्योंकि व्यवस्था ठीक है। अतः कोई भी आकर के यहां पर भक्ति का साधन करते हैं, है ना। तो उसी प्रकार उनमें रहते हुए भी व्यक्ति को अपने लिए, अपनी सुरक्षा के लिए कुछ व्यवस्था चाहिए। तो ऐसा नहीं किसने भावना मत में जाकर जो भी मिलेगा खाएंगे और जहां भी घूमेंगे, नहीं, व्यवस्था है ना। हम जिनको इच्छा करते हैं उनका श्रवण करेंगे या करेंगे वह करेंगे नाना प्रकार से, ये नहीं है, उसका कुछ नियम है। हम लोग देखते हैं एकदम व्यवस्थित सोसाइटी में हम लोग हैं, और रोज भागवतम का अध्ययन कराया जाता है या करते हैं, हम लोग श्रवण करते हैं, है कि नहीं, एक व्यवस्था है। लेकिन इसके अलावा अपने से सेपरेट कुछ कर लेना चाहिए, जैसे 16 माला जप हम करते हैं, है ना। लेकिन वो 16 माला जप या भागवत श्रवण ठीक से नहीं होता है, बताइए कैसे? पूछेंगे ना कैसे? ठीक से श्रवण इसलिए नहीं करते हैं कि हम लोग को निद्रा आती है, तो व्यवस्था चाहिए ना। वो निद्रा दूर रहे उनके लिए व्यवस्था चाहिए, है कि नहीं। तो कभी कभी भक्त लोग कहते दुर्दैव मित्र सभी जानी अनुराग, ये तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि बहुत बड़ा दुर्देव, लेकिन वो दुर्देव है क्या, दुर्भाग्य है क्या? देखिए श्रीमद् भागवतम से ये सारा पाठ इनको व्यवस्थित किया गया है। दुर्देव उत्पन्न नहीं होने देगा किसी का। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति पापी तापी है और दुर्देव लेकर के भी आए, भक्ति मार्ग में जब आता है, प्रभुपाद जी लिखते हैं और हम लोग भी देखते हैं इस बात को कि चार पाप करने वाले व्यक्ति भी उन पापों को अति शीघ्र निवृत्त कर लेते हैं अपने जीवन से, तो वो पापों से ही दुर्भाग्य निर्मित होता है कि नहीं। इसी पापों से दुर्दैव उत्पन्न होता है। तो ये क्यों नहीं हटेगा? व्यवस्था रखने से सब कुछ हो जाएगा ना। तो देखिए इसमें व्यवस्था दिखाई पड़ती, कहते कंदा अष्टभी मूल फलई, उन्होंने क्या क्या खाया, किस प्रकार वो रहे, उसका वर्णन है। उन्होंने आहार के विषय में मतलब कंद खाया और अष्ट माने बीजानी बीज खाया, हा? और मूल और फल, ये सब सात्विक है। आजकल भले ही कोई बोले कि नहीं आजकल तो कहाँ ये सब उपलब्ध है, जंगल कहाँ उपलब्ध है, यह वह ठीक है, लेकिन खाना भी कम खाना चाहिए ना, है ना। क्योंकि यह लिखा है सनेर गात्र कर्षणम तप, उन्होंने तप को आस्तित, वो तप पर टिक गए, इसलिए अपने शरीर का कर्षण, अंगों का कर्षण करने के लिए, कर्षित माने उनको संयमित करने के लिए। जीवन को जब तक संयमित कोई नहीं करता है तो वो किसी भी प्रकार का साधन नहीं कर पाएगा, है ना। अरे नरक ले जाने वाला धन भी प्राप्त नहीं कर सकता है व्यक्ति, कर सकता है अगर व्यवस्थित नहीं है, वो भी नहीं कर पाएगा। इसलिए व्यवस्था है।
है। वो कहते हैं कि पुष्प पर्ण ना तीर्णोदक ही, उदक माने जल, तीर्ण माने उन छोटी छोटी घास की पत्तियां, और पर्ण माने पत्ते। तो कहते हैं कोई इस प्रकार खा करके उन्होंने अपने शरीर को स्वस्थ बना लिया। स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, और वही व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है जो व्यक्ति संयमित भोजन करने वाला है। जिनका भोजन असंयमित है वो व्यक्ति का जीवन ठीक नहीं होता है, नाना प्रकार की बीमारी और नाना प्रकार की चिंताएं वो हमेशा उनको सताती रहती है। तो ये महाराज की तरह खाना बंद नहीं करना है, इन्हें लोग कह देते ना कि भूखे पेट कैसे वजन किया जाए। ठीक है, खा करके करो, कौन मना करता है खाने के लिए, खाया जाए है? लेकिन संयमित रूप से खाया जाए। क्या खाया जाए और कब क्या लेना चाहिए उसका विचार है। सब कुछ दिया है, कलयुग के लिए भी व्यवस्था आचार्यों ने किया है ना। तो आइए आज के श्लोक में कुछ व्यवस्था है उनको देख लेते। शीतोष्ण वात वर्षाणी, उन्होंने महाराज मलयध्वज ने उन समदर्शन ला करके इन द्वंद्वों के ऊपर विजय प्राप्त किया। क्या द्वंद्व है? शीत उष्ण, गर्मी और सर्दी। दूसरे अर्थ में अपने शरीर को एसी बना लेना, चाहे एसी की आवश्यकता न पड़े। अगर शरीर को इस प्रकार टेंड किया जाए तो ट्रेंड हो जाएगा, दिक्कत क्या है। लोग कितने जाड़े में भी रहते हैं वृंदावन, लोग भाग जाते हैं, लेकिन कुछ लोग रहते भी हैं और यहां रहते हुए साधन भजन करते हैं। यहां उन ताप को तापना नहीं है, या ठंडे में एकदम जमुना जी में जाकर स्नान करने के लिए कोई नहीं बता रहा है, ऐसा नहीं बता रहे। लेकिन शरीर स्वास्थ्य के लिए जो जरूरी है, जैसे जो व्यक्ति हमेशा गर्म पानी से स्नान करता है सुनिश्चित वो बीमारी को अपने सर में डालता है, आयुर्वेद बोलता है। दुनिया भर का बीमारी अपने सर में डालता है जब वो सर में गर्म पानी उठ करके डालता है तो। हाँ, एक निश्चित बात है। इसलिए व्यक्ति को क्या एकदम ठंडी में भी ठंडे पानी से स्नान करे, थोड़ा गर्म करके खींचे, नॉर्मल लाते हो ला करके उसको किया जाए, कोई दिक्कत नहीं। सर्दी होने का भी भय नहीं रहेगा। तो कहते हैं इसी प्रकार भूख प्यास को सहन करना चाहिए, बहुत आवश्यक होता है। तो कोई व्यक्ति मैं देखता हूं बोतल लेकर के जप करने के लिए बैठते हैं, एक बोतल रखते हैं बगल में, वो जप करते हुए पता नहीं कितना परिश्रम पड़ता है, पानी पी लेते हैं बीच में। है ना, हम लोग देखते हैं। हाँ, कोई बीमार व्यक्ति है और उनको ज्यादा पानी की आवश्यकता है तो लिया जा सकता है, ये भी बात नहीं है, है? लेकिन जैसे भागवतम के बीच में पानी पीना सब अंतराय माना जाता है साधना में, तो इतना भी सहन नहीं कर पाएंगे। और भगवत प्राप्ति करना है, हाँ हाँ भगवत प्राप्ति चाहिए,
भगवान का प्रेम प्राप्त करना आसान नहीं है, बहुत कठिन भी नहीं है, लेकिन इतना आसान भी तो नहीं है। अपने आप को व्यवस्था में व्यवस्थित करना पड़ेगा, अपनी ओर से कोई कमी नहीं रहने दिया जाए। इसलिए भागवतम श्रवण के टाइम खान पान ये सब नहीं होना चाहिए, या भागवतम श्रवण के पूर्व एक आध बार नाश्ता लेकर के फिर भागवतम श्रवण किया जाए, कैसा रहेगा? ये सब ठीक नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी ने नियम बनाया, बस 8 बजे से 9 बजे तक थोड़ा सहन करो और बैठो, और बैठ करके तो चौकन्ना रहेंगे हम लोग हैं, और नहीं तो इच्छा लगी रहेगी, श्रवण में भी इच्छा लगी रहेगी, श्रवण ठीक से नहीं कर पाएंगे। थोड़ा पानी पी लूं तो थोड़ा यह कर लूं, इतना आसान तो नहीं है भक्ति। निश्चित प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भक्ति मार्ग को अपनाने से वो सहज सरल है, और यही व्यवहारिक है, लेकिन वो इतना व्यवहारिक नहीं बना लेना चाहिए, या इतना अपने अनुसार व्यवहारिक नहीं बना लेना चाहिए। देखिए इसमें द्वंद्व को सहने के लिए बात बता रहे हैं, तो सुख दुख और उनके साथ कहते हैं कि इसी प्रकार प्रिय और अप्रिय जो भी है वो सहन करना उन्होंने सीख लिया एक तरीके से, इस श्लोक शिक्षा है। सुखदेव गोस्वामी बात कहते हैं कि उन्होंने उन समदर्शन से ही शिक्षण प्राप्त कर लिया। तो देखिए हम लोग भी इतनी कड़ी तपस्या नहीं करते हुए फिर कुछ तपस्या उठा करके भक्ति का जो भगवान की आराधना श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि से या पूजन इत्यादि से जो भी हम इत्यादि से करते हैं तो उसको सीख लेना चाहिए, जैसे सुश्रुतंग से ये हो सकता है। कोई कोई व्यक्ति बता सकता नहीं, ये तो योग मार्ग का श्लोक है, ये तो योगी लोग के लिए भक्त लोग के लिए नहीं है। तो ना सारा फैसिलिटी भक्त लोग को दिया गया है, जिस प्रकार भी रहे, जो भी खाए, जितना खाए, ये कहा है। क्यों 2 टाइम प्रसाद और क्यों 5 बजे या 3 बजे लास्ट प्रसाद है वृंदावन में, बहुत सुंदर सुविधा है, 2-3 बजे लास्ट प्रसाद चाहिए, उठ करके सुबह भजन करेंगे, है ना। और वो भी भोजन भी सुपाच्य दिया जाता है ना, सरलता से पचन नहीं ना, पिज्जा पास्ता यह खा करके भजन कौन कर सकता है, कौन करेगा ना, पिज्जा पास्ता खा करके वो पचेगा भी नहीं, इतना गरिष्ठ भोजन थोड़ा श्रवण में कड़ा लगेगा, लेकिन ये हमारे हेल्थ के लिए और हमारी आध्यात्मिक हेल्दी के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। गरिष्ठ भोजन व्यक्ति को सुला देगा, श्रवण कीर्तन कर नहीं पाएगा, कैसे करेगा। इसलिए उनको व्यवस्थित सुपाच्य भोजन लेना चाहिए, और दुर्दैव को हटाने के लिए एक बहुत सुंदर उपाय हरिनाम चिंतामणि में भक्ति विनोद ठाकुर देते हैं। वो कहते हैं कि व्यक्ति को एक साथ इकट्ठा बैठकर जप करे, पर कुछ जप एकांत में कर लेना चाहिए अपने से, मंगल आरती से पहले या मंगल आरती के बाद, कभी भी वो एकांत में कुछ जप कर लेना चाहिए, बहुत अत्यंत आवश्यक लिखते हैं।
ये बहुत जरूरी है। भगवान में मन लगाने के लिए एकांतिक जप चाहिए चाहिए और चाहिए, चलेगा नहीं। इसलिए रोज एकांत, भक्तों का संगति में रहने के लिए कोई मना नहीं कर रहे हैं। हम सोलह माला करते हैं, बैठ करके साथ में सोलह माला करें, दिक्कत क्या है? लेकिन उनके साथ अपने से कुछ व्यवस्था बनानी चाहिए, तब शारीरिक आवश्यकताएं कम होने लगेगी अपने आप, क्योंकि शरीर पर से दृष्टि हटेगी। भगवान पर दृष्टि रखने वाला व्यक्ति को सबसे पहले अपने शरीर पर दृष्टि हटाना पड़ेगा, यह बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। इसे न केवल ये योग मार्ग के लिए है, बल्कि ये भक्तों के लिए भी उतना ही जरूरी है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, वो कहते हैं कि जब तक कोई स्वरूप सिद्ध नहीं होता है, तब तक संसार के द्वंद रूपी संघर्षों से गुजरना पड़ेगा। तो संघर्ष तो हमारा जारी है, क्योंकि हम लोग थोड़ा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, सीख रहे हैं सब लोग, लेकिन शिक्षण की भी एक व्यवस्था है ना। जैसे कोई शाम को राइस खा ले, राइस एक गरिष्ठ भोजन है, और राइस खा करके कोई बैठेगा शाम को, उनको बोलो सोलह माला बैठ करके जप करो, नहीं हो पाएगा। तो कुछ अपने से जो निवारण कर सकते हैं वो तो करना चाहिए ना। कुछ दुर्दैव पूर्व जन्म का है, हम लोग खींच रहे, लेकिन वर्तमान में कुछ आचार्यों के द्वारा दिया गया कुछ व्यवस्था है, उस व्यवस्था में भी हम अपने आप को रखेंगे तो हम लोग इसी व्यवस्था में फिट होकर के उन दुर्दैव को काट सकते हैं बैठ करके नाम जप करके, है ना। पर जब करेंगे तब कटेगा ना, जब हम जब कर सकते हैं तब वो दुर्दैव जाएगा, अन्यथा वो दुर्भाग्य कैसे हटेगा, वो हटेगा नहीं, ऐसा कैसा रहेगा। इसलिए इसमें कुछ व्यवस्था दी, इसलिए प्रभुपाद महाराज इसमें लिखते हैं कि सुनिश्चित भक्ति योग में कृष्ण केंद्र बिंदु होते हैं। भक्ति योग के अलावा योग मार्ग इत्यादि में भी कृष्ण को ही केंद्र बिंदु रखना पड़ेगा योग सिद्धि के लिए। हाँ, जो लोग योग की सिद्धि चाहते हैं उनको चाहिए कि वो लोग भी भगवान श्री कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाए। तृतीय स्कंद में श्री कपिल मुनि इस बात को लिखे हैं, कहते ध्याना आयनम प्रहसितम बहुला अधरोष्ट, कहते हैं जिनका अधरोष्ट एकदम सुंदर है उन बिंब फल के समान, उन भगवान का ध्यान करना चाहिए। ये योग मार्ग की व्यवस्था दे रहे हैं, याद रहे। 28वां अध्याय जो सांख्य का उपदेश वहां पर दिया गया है वो योग मार्गी के लिए दिया गया है, और उसमें ये बता रहे हैं, कहते ध्यायेत स्वदेह कुहरे अवस्थितस्य, अपनी उन देह के भीतर जो भगवान रहते परमात्मा के रूप में, तो उनका इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। ये योगी के लिए बताया गया, इसलिए ज्यादा इसमें विवेचन की जरूरत नहीं। लेकिन कहते एवं हरो भगवती प्रतिलब्ध भावो भक्त्या दवत हृदय उत्पुल प्रमोदात ना औत्कंठ वाष्प कलया मुहुर अद्यमान चित्त परिश्रम सनकेर वियुक्ते। और कहते हैं कि इस प्रकार
व्यक्ति जब भगवान का ध्यान करता है एवं हरो भगवती प्रतिलब्ध भाव, जब इस प्रकार भगवान के प्रति भावना उत्पन्न होती है तब हृदय से माया भाव तिरोहित होगा। भगवान जब तक हृदय में नहीं आते हैं तो मुक्ति कामी को मुक्ति भी नहीं मिलेगा। इसलिए कपिल मुनि व्यवस्था देते हैं इन योग मार्गियों को भी, ये बोलते हैं कि इसी प्रकार भक्त्या दवत हृदय उत्पुलक प्रमोदात, और जब इस प्रकार उनका हृदय स्वच्छ होता है तब वो भगवान की भक्ति से वो पुलकित होता है और फिर अश्रु धारा से बारंबार अपने आप को वो स्नान कराता है। लेकिन उस स्थिति में मुक्ति चाहने वाले को क्या करना चाहिए, तो कहते चित्त बरिशम सनकिर वियुक्त है। तब मछली पकड़ने वाले कांटे की तरह जब भगवान पकड़ में आ जाए उनके बाद में भगवान को छोड़ दिया जाए और मुक्ति ले लिया जाए। चित्त बरिशम, बरिश माने धोखा, एक कांटा होता है मछली पकड़ने का उनको बरिश बोलते हैं। उन योगियों का चित्त इस बरिश की तरह है, ज्ञानियों का योगियों का चित्त इन बरिश की तरह है, धोखे की तरह है। वो भगवान को नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं मुक्ति। मैं कह रहा था कि योग मार्ग या ज्ञान मार्ग है उनमें भी भगवान का चिंतन आता ही आता है। तब भक्त के लिए चिंतन जरूरी नहीं है, अत्यंत आवश्यक। कहते उन ध्येय वस्तु से फिर अपने चित्त को हटा ले, मुक्ति तो हो गई क्योंकि भगवान आने के बाद जीवात्मा का हृदय एकदम शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, तो मुक्ति तो ऐसे ही लाभ हो गया। अब भगवान का क्या आवश्यकता है, वो लोग छोड़ देते हैं। ये सलाह दिए हैं मुक्ति प्राप्त करने वालों को, ये सलाह दी जाती है। और कौन दिया, भगवान दिया। तो भक्ति मार्ग में भगवान का चिंतन अत्यंत जरूरी और इन भगवान में चित्त लगाने के लिए अत्यंत आवश्यक हरिनाम अत्यंत आवश्यक है, नितांत आवश्यक। कलयुग में श्री हरिनाम अत्यंत आवश्यक है। हरिनाम जो ठीक से कर पाता है वो सुनिश्चित पार कर पाएगा। बस शर्त यह है कि उनका चित्त अपराधी नहीं होना चाहिए। वो एक ही स्पीड ब्रेकर रह जाएगा, जो ठीक से जप करते हैं उनके लिए भी स्पीड ब्रेकर है और वो एक ही स्पीड ब्रेकर है और वो है अपराध। भगवान और भक्तों की संतुष्टि, राध माने संतुष्टि, उन संतुष्टि को अवगत, जिनसे दूर हो जाती है वो संतुष्टि, इनको अपराध बोलते हैं। इसलिए प्रत्येक भक्त को प्रसन्न, अपनी ओर से व्यक्ति को प्रसन्न कर लेना चाहिए। प्रत्येक भक्त, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा भक्त प्रसन्न रहे और सुंदर तरीके से हरि नाम। लेकिन बहुत बड़ा दिक्कत है कि ये जो साधन है उन साधन में ठीक से हम लोग ये साधन नहीं कर पाते और उनका कारण है शारीरिक लक्ष्य। भगवान पर दृष्टि नहीं रहेगी, नाम पर दृष्टि नहीं रहेगी। एक भक्त बोल रहा था, प्रहलादानंद प्रभु ने कहा था इस बात को, वो बोल रहे थे यहीं से, अभी इस कार्तिक में उनका प्रवचन था, एक दिन उन्होंने प्रवचन दिया था। कोई पूछा था कि कैसे वो ठीक तरीके से किया जाए हरिनाम इत्यादि, वो बोले कि जैसे मैं प्रवचन के पहले पूर्व तैयारी करके बैठा हूं इसलिए मैं ठीक से प्रवचन कर पा रहा हूं, तो जब आप उनके लिए पूर्व तैयारी रखेंगे तो जब भी ठीक होगा।
जैसे प्रवचन ठीक होता है उस प्रकार जब भी ठीक होगा, क्या दिक्कत है। लेकिन पूर्व तैयारी। एक बार पुणे में एक भक्त हमको पूछ रहे थे, पुणे में एक भक्त ने कहा, ना प्रभु जी ये नींद तो आ ही जाती है, तो ये नींद ना आए जप में या जप अच्छा हो वो कैसे हो सकता है। मैं बोला इसका विचार पिछले दिन प्रसाद रूम में करना चाहिए। जब प्रसाद के लिए बैठते हैं उसी टाइम उसका विचार करना चाहिए। व्यवस्था सबके लिए है। देखिए ये व्यवस्था है श्रीमद् भागवतम से बहुत बहुत उपदेश ध्वनित होता है। श्री प्रभुपाद महाराज कहते हैं कि वो अव्यभिचारण भक्ति योग सेवते, लेकिन व्यभिचारी भक्ति योग भी नहीं होता है, क्योंकि वो भक्ति योग तीव्रता से करना होता है ना। अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदार दी, कहते जिनकी कामना है, जिनकी कामना चली गई है वो कोई भी हो, तीव्रेण भक्ति योग जत पुरुषेण यजत, कहते हैं कि उन तीव्रता से भगवान का आश्रय ग्रहण करके उनका आराधना करना चाहिए। तीव्रता से, तीव्रता को जोड़ दीजिए, यहां तो बगैर तीव्रता वाला साधन भी मुश्किल हो जाता है कि नहीं, क्योंकि व्यवस्था नहीं है। उनका पिछले दिन विचार करना चाहिए, है ना। कई बार भक्त लोग बोलते इतना बंधन, हाँ? खान पान में भी रोक। अरे हम लोग मांसाहार नहीं कर रहे, ठीक है। प्रभुपाद जी तो कई बार बोलते तो कबूतर भी शाकाहारी है, समझ रहे ना। संयम माने संयम, हाँ? होना ही चाहिए संयमित जीवन। संयमित जीवन के बगैर बहुत मुश्किल है भगवत भक्ति, इसीलिए हम लोग को मुश्किल लगता है। वास्तव में व्यवस्था नहीं करते, नाम जप की व्यवस्था या पूर्व तैयारी अगले दिन पिछले दिन रात से होनी चाहिए, रात नहीं पिछले दिन दोपहर से चालू करना चाहिए उस तैयारी को, वो ठीक से कर पाएगा, वो बढ़िया से कर पाएगा, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। पर तैयारी चाहिए। कैसे तैयारी करें? मान लीजिए कि हमको जप में नींद आती है तो हमें विचार करना है कल क्या खाया था और कितनी मात्रा थी खाने की। खाने के ऊपर बहुत डिपेंड। देखिए ये छुत पिपा से शीतोष्ण उष्णानी इत्यादि, ये प्रिय अप्रिय, शरीर को प्रिय और अप्रिय, ये शरीर का ही समदर्शन बता रहे हैं। शरीर की डिमांड को पूरा न किया जाए, बहुत बहुत डिमांड रखता है, तो सारे डिमांड कितना डिमांड को पूरा करेंगे, उनकी भी बहुत डिमांड है। इसलिए इन सारी डिमांड की पूर्ति में जो भगवान के प्रति दृष्टि नहीं है या नाम के प्रति ही जिनकी दृष्टि नहीं रहती है, हटती है दृष्टि, तो तुरंत शरीर में जाती है, क्योंकि दूसरा वस्तु व्यक्ति को ममता अत्यंत शरीर में है, अपने शरीर में। इसलिए विचार बहुत जरूरी है। उनको छोड़ देने से, इससे नींद आती है उनको छोड़ देने से क्या दिक्कत है, कोई नहीं, मर तो नहीं जाएंगे। और कोई पत्ता तीर्ण इत्यादि खाने के लिए नहीं बोल रहा है, खाना खाओ आराम से खाओ, लेकिन भजन हो सके ऐसा खाओ, है ना। केवल कुछ दलिया उबाल करके खा लीजिए शाम को, देखिए कल नींद आता है अगले दिन, देख लीजिए तो दलिया नमक डाल कर उबाल लीजिए और उनको खा लीजिए, 5 बजे दलिया खा लीजिए और दूसरे दिन जप करने के लिए बैठिए। वो जल्दी सुपाच्य वस्तु है,
इतना जल्दी फास्ट पच जाता है, आपको रात को ही भूख लग जाए, लेकिन डालिए मत कुछ। अगर रात को डिमांड कर दे तो डालना नहीं है, डाला तो फंस गया। नियम बनाना चाहिए इतना ही, और इस टाइम, क्योंकि टाइम पर उठना है, टाइम पर सब कुछ करना है, चाहिए। कोई काम नहीं, चलो फुर्सत में माला बैठ करके करें। माला के लिए फुर्सत खोजनी चाहिए, कैसे माला किया जाए, कैसे जप किया जाए। ये बहुत जरूरी है। एक दो मिनट छोड़ा है मैंने, 9 बजे तो बंद करना पड़ेगा, सामने घड़ी है, 4 मिनट है। अगर कोई प्रश्न है किसके पास तो रखिए जी। एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो होते हैं, उनकी दृष्टि सदैव कृष्ण पर रहती है, उनकी दृष्टि सदैव भक्ति पर टिकी रहती है। भक्ति पर टिका हुआ व्यक्ति है, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनका निश्चय है दृढ़। जो निश्चय भी नहीं करना पड़ता है, जो स्वरूप सिद्ध है, वो व्यक्ति स्वाभाविक उनका मति कृष्ण में चला जाता है। इसलिए कृष्ण के अलावा कुछ भी चर्चा उनके मुख से नहीं निकलेगी, समझ लो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है। श्रील प्रभुपाद महाराज को इस प्रकार पूछा था कि देखिए, आप जैसे अनेक साधु लोग आते हैं इस विदेश में, तो कैसे पता चले कि कौन असली साधु है? श्रील प्रभुपाद महाराज ने कहा कि ढूंढ निकालिए कृष्ण में कौन आ सकते हैं सबसे ज्यादा साधु, स्वरूप सिद्ध। स्वरूप सिद्ध कैसे हुआ जा सकता है? सुनिश्चित जप कीर्तन इत्यादि जो उपाय बताया गया है, या नवदा भक्ति से कोई भी उपाय से व्यक्ति स्वरूप सिद्धि प्राप्त कर सकता है, दिक्कत क्या है इसमें? हाँ, दिक्कत हमारी शारीरिक आवश्यकताएं हैं, क्योंकि दृष्टि हमारी सदैव शरीर पर लगी रहती है, उनको हटाने के लिए ये व्यवस्था है। और कोई जिज्ञासा है? अभी भी 1 मिनट बाकी। और कोई जिज्ञासा? क्योंकि ये इसी प्रकार का प्रवचन है। हाजी माता, इसीलिए उनमें कोई बांसुड़ नहीं हो सकता है माता, वो तो अपनी व्यवस्था अपने को देखना है, कैसे करना है, क्या करना है वो, लेकिन करना यही चाहिए, इसके अलावा काम नहीं चलेगा, उसके साथ बांसुड़ नहीं चलेगा। चाहे आप संयुक्त फैमिली में रहें, चाहे अभियुक्त रहें, लेकिन ये करना पड़ेगा। शरीर में वीकनेस से नींद कभी नहीं आएगा, अन्यथा देखो ये लोग पत्ते और साग खा करके या पत्ते खा करके ये लोग भजन साधन करते थे। शरीर में हैबिट बन जाएगी, आप जिस प्रकार रखेंगे, भूख है उनको जितना कम करेंगे होगा, और भूख को जितना बढ़ाएंगे उतना बढ़ेगा। इसको व्यवस्थित करना हमारा काम है, इसलिए कम से कम पेट्रोल दे करके जो ज्यादा एवरेज देने वाली गाड़ी है वो अच्छी है, बढ़िया जी।
हाँ जी आपने बताया शरीर में एक ध्यान नहीं दे रहा है, शरीर में शरीर को उसका ध्यान नहीं देना है, आपने बताया क्या देना है? हाँ जी हाँ जी, दृष्टि कम कर रखना जाए। क्या लगाते हैं? साबुन तेल वो सब लगाते हैं। साबुन तेल, जहाँ तक तेल का प्रश्न होता है वहाँ तो भक्त लोग बहुत इस्तेमाल नहीं करते हैं उन तेल फुलेल को, क्योंकि जिनकी दृष्टि होती है ज़्यादा शरीर पर उनका ये बात होता है। जैसे तैसे कहने का अर्थ ये है, ठीक है लगाने से ठीक रहता है तो लगाइए, भजन का बात है, दूसरे दिन भजन होगा ये बात है, बस। आपको फूल तेल लगाने से कैसे भी अगर ठीक होता तो करिए, दिक्कत क्या है? देखो माता मेरी बात की पुष्टि कर रही है, वो बोलते कल एकादशी था इसलिए आज जब बहुत अच्छा हुआ, नेचुरल। कुछ भूख चाहिए, शरीर की कृशता चाहिए, बहुत स्थूल व्यक्ति है वो जब नहीं कर सकता है, बड़े बड़े पेट लेकर के बैठते क्या जब करेगा, जब में नहीं है दिखाई नहीं पड़ेगा, वो क्या जब कर सकता है, दिखाई तो पड़ेगा नहीं जब। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे ग्रंथदास श्रीमद्भागवतम की जय।